दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम पे लेटर या पेटीएम पोस्ट पेड की लिमिट आप कैसे जो है वो एक्टिवेट करेंगे, और ये एकदम जो है वो क्रेडिट कार्ड की तरह ही लिमिट होती है। जैसे क्रेडिट कार्ड में आपको पैसे मिलते हैं और आप उसको एक महीने तक खर्च करते हो, देन आप उसको पे करते हो, सेम इसी तरह से पेटीएम पोस्ट पेड में है, और जिसको पेटीएम पे लेटर भी कहते हैं। इसका यूज जो है आप पेटीएम से कोई भी सामान खरीदने में, बिल का रिचार्ज करने में, मान लीजिए आप अपने मोबाइल का रिचार्ज करना चाहते हैं वो, या फिर और भी जैसे पेटीएम मॉल वगैरह होते हैं, आप वहाँ से कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो आप वहाँ से वो सारी चीज़ खरीदने में जो है इस पेटीएम पोस्ट पेड या पेटीएम पे लेटर को यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपने पेटीएम पोस्ट पेड को अगर एक्टिवेट करना है तो आपको जो है ये प्रोसेस आपको फॉलो करनी होगी जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो आप जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। सबसे पहले आपने अपना जो है पेटीएम ओपन करना होगा। अब आपको यहाँ पर पेटीएम नाउ और पे लेटर का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आप अपनी प्रोफाइल आइकॉन पर क्लिक करेंगे और आपको इधर ही जो है नीचे जा करके पेटीएम पोस्ट पेड मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, अब आपसे इस तरह से बोलेगा पेटीएम नाउ पे लेटर, आपने चेक योर पोस्ट पेड ऑफर पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ से अपना पैन कार्ड पर जो नाम है वो डालना है और कन्फर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको 4 से 5 प्रोसेस में जो है ये पेटीएम पोस्ट पेड मिलता है, वो सारे प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपने जो है अपना पैन डिटेल डाल करके प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपके जो पैन के साथ में मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपने यहाँ पर डालना है। तो इस तरह से देखिए मैं डाल देता हूँ, देन सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अब ये मेरा ऑफर चेक करेगा कि कितना रुपए मेरे को जो है पेटीएम पोस्टपेड में मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे को 10,000 रुपये जो है पेटीएम पोस्टपेड में मिल गया है, और इसकी देखिए कोई भी ज्वाइनिंग फीस और एनुअल चार्जेस नहीं है। अब आपने देखिए नीचे यहाँ पर एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करते हैं, अब आपसे बोल रहा है कि आप केवाईसी के लिए अपनी एक सेल्फी लीजिए, और सेल्फी लेने के बाद देखिए आपने इस तरह से अपलोड कर देनी है, जो कि मैंने कर दी है। अब आपको यहां पर आपकी जो आधार कार्ड की डिटेल्स है साइड में सारी दिख जाएगी, तो आप इसको कन्फर्म करें सारी डिटेल्स को, देन आपने कन्फर्म एंड एक्टिवेट पेटीएम पोस्टपेड पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, अब आपका जो है देखिए यहाँ पर सारी प्रोसेस जो है वो हो रही है, लास्ट वाली प्रोसेस, और आपको देखिए यहाँ पर एक मैसेज मिल गया नोटिफिकेशन में कि आपका जो है पेटीएम पोस्टपेड एक्टिवेट कर दिया गया है और 10,000 रुपये मिले हैं। आप लिमिट भी देख सकते हो 10,000 रुपये। अब आप इनको कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हो वो भी जान सकते हो, तो आप यहाँ पर क्लिक करें, और आप इसको लगभग हर जगह जैसे कि रिचार्ज एंड बिल पेमेंट में कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हो वो सारे दिए हैं। देन आपके स्टोर्स हैं, कुछ ऐप्स हैं जहाँ जो शॉपिंग कराते हैं वो, और आपको यहाँ पर देखिए ये रिटेल्स स्टोर्स भी हैं जो प्रोवाइड कराते हैं, और बस का टिकट बुक कर सकते हैं, फ्लाइट का बुक और ट्रेन का, ये सारी पेटीएम मॉल भी है। तो आप यहाँ से लगभग ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो और पेट्रोल पंप भी इसका यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आपने सिंपली तरीके से अपना पेटीएम पोस्टपेड एक्टिवेट कर लेना है।